हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको जिस कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि स्टेट राजस्थान का एक मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा और वेस्ट बंगाल के सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हो। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट ईयर, कट ऑफ, ट्यूशन फीस, लोकेशन और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें कॉलेज के लोकेशन की, तो यह कॉलेज राजस्थान के जयपुर में लोकेटेड है। ये कॉलेज NIMS के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। बात करें कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो कॉलेज 2004 में एस्टैब्लिश हो गया था, बट बैचेस आने शुरू 2008 से हुई थी। बात करें कॉलेज के ट्यूशन फीस की, तो अब हम क्योंकि एक राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ दो टाइप की ट्यूशन फीस होती है, जनरल कोटा की अलग और मैनेजमेंट कोटा की अलग। बात करें जनरल कोटा की ट्यूशन फीस की तो 19 लाख है, और बात करें मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फीस की तो 22 लाख है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम फ्री में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज है एक्सीडेंटल डॉक्टर। ये कॉलेज NMC द्वारा रिकग्नाइज्ड है। बात करें टोटल नंबर ऑफ फीस की, जो आपको फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर में आपको 30 लाख रुपए के साथ प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बात करें कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ UG सीट्स की, तो 250 UG सीट्स है। और अगर आपको हमारे थ्रू किसी कॉलेज में सीट चाहिए तो आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। हमसे काउंसलिंग करा के आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हमारी मेडिकोस की एक टीम है जो आपको आपके बेस्ट स्कोर पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो आराम से सजेस्ट कर देगी। आप थ्रू आउट उन्हीं के गाइडेंस में रहोगे जो ऑलरेडी अपना MBBS परस्यू कर रहे हैं। नीचे दिए हुए वेबसाइट पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जब आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे आपको इजीली सारे कॉलेज के कैंपस टूर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको वहाँ 3 प्लान मिलेगा, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए में आप जानोगे इंटरनल डिटेल्स ऑफ कॉलेज के बारे में। कॉलेज जाने से पहले आपको कॉलेज की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। प्लान बी में सिर्फ UP के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम 2019 से काम कर रहे हैं और UP में हमारी एक्सपर्टीज है। बैच 21-22 में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, और प्लान सी में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में जान सकते हो। बात करें कॉलेज के कैंपस साइज की, तो कैंपस काफी बड़ा है, 250 एकर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करें कैंपस फैसिलिटीज की, तो कैंपस के अंदर जिम, लॉन्ड्री, कैफे और स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। सारी चीजों की सुविधाएं आपको कैंपस के अंदर मिल जाएगी। बात करें लॉन्ड्री चार्जेस की, तो 6,000 रुपए है। बात करें कॉलेज के हॉस्पिटल फैसिलिटीज की, तो कॉलेज का हॉस्पिटल काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, वेल इक्विप्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सारी मशीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बात करें कॉलेज के पेशेंट फ्लो की, तो पर डे 2,000 से 3,000 पेशेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। कॉलेज का पेशेंट फ्लो बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, आप चीजें आराम से सीख लोगे। हम भी थोड़े टाइम बाद एक्टिव हुए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, बट इस बार हम नए जोश के साथ लौट आए हैं। हम एक एक करके इंडिया के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डिम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कौन से कॉलेज के बारे में जानना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बात करें कॉलेज के आउटिंग टाइम की, तो आप आराम से आउटिंग जा सकते हो, बट आपको रात के 9 बजे तक वापस कैंपस के अंदर आना पड़ेगा। बात करें कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, तो कॉलेज NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर से अफिलिएटेड है, जो इस कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी है। बात करें कॉलेज के हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल के रूम्स काफी बड़े हैं और अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। अकोमोडेशन पर रूम देखें तो एक रूम में 3 लोग रहते हैं। AC, non-AC दोनों रूम्स की सुविधाएं उपलब्ध है। और बात करें AC रूम के हॉस्टल चार्ज की, तो 3 लाख रुपए है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।